So hello students, in the previous video we studied the classification of soil, only the names. Now today we'll start with the detailed study of all the soils. So first one is forest soil. This soil is found in areas with sufficient rainfall and thick forest growths. ये soil वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जंगल जहाँ पे फॉरेस्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हों. दे आर लोमी ऑन वैली साइड्स एंड हैव क्वालिटी ऑफ ह्यूमस. लोमी मतलब ये गीली, ठीक है, वैली किनारों में क्या होती हैं, ये गीली होती हैं एंड इनकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमस बहुत अच्छी होती है, राइट. इन स्नो बाउंड एरियाज सॉइल इज एसिडिक एंड हैव लो ह्यूमस. लेकिन जहाँ पे जिन एरियाज में स्नो हो जाता है, जंगल है जहाँ पे लेकिन स्नो हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, ये सॉइल थोड़ी एसिडिक हो जाती है, ठीक है, एसिड कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, कम हो जाता है. दे आर फाउंड इन स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. तो ये इन जगहों पर पाई जाती है, ठीक है. नाउ विल स्टडी अबाउट अलूवियल सॉइल. These are soil formed by depositional work of rivers, right? इस rivers के depositional, आपको पता है कि जब mountain से पानी आता है, river water आता है, तो अपने साथ silt and clay और बहुत सारा sediment लेके आता है, और ये जो पूरा process होता है sediment लेके आने को, उसको क्या कहते हैं, depositional work. तो ला के ये क्या करता है, एक जगह collect कर देता है, deposit कर देता है, alluvium जिसको कहते हैं. ये पूरा collection of मटेरियल रहता है, इसको अलूवियम नाम दिया गया. तो अलूवियम जब इकट्ठा हो जाता है किसी जगह पे, तो अलूवियल सॉइल बन जाती है, राइट. दे आर रिच इन पोटेशियम एंड ह्यूमस बट लैक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. क्या होता है, ये पोटेशियम एंड ह्यूमस में तो बहुत ज़्यादा रिच होती है सॉइल्स, लेकिन क्या है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बहुत ही कम होता है इनमें, ठीक है. द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश ग्रे. सॉइल का जो कलर होता है लाइट ग्रे से लेकर एश ग्रे तक वेरी करता है. लाइट ग्रे भी हो सकता है और एश ग्रे भी हो सकता है. दे आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड दे कैन बी यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा. ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, वीट राइस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. कहाँ पाई जाती हैं ये, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कवरिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, डेल्टाइक रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. इन जगहों पे एलुवियल सॉइल आपको मिल जाएगी. ये देखिए मेजर सॉइल मैप दिया गया है जिसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल पाई गई है, ठीक है. तो जो ग्रीन है ये आपकी एलुवियल सॉइल है, जो येलो पार्ट है, ठीक है, आपकी येलो सॉइल है, जो ब्लू है ये आपकी रिवराइन सॉइल है, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जिसमें आप अपनी बुक को रेफर करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैप वर्क में आपको मैप में दिया गया है कि कौन कौन से कलर्स कौन कौन से सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. नाउ द थर्ड इज डेजर्ट सॉइल. द साउंड दिस सॉइल इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल. जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है और रेनफॉल बहुत कम होती है, ठीक है, इन्हीं दो कंडीशंस की वजह से क्या होता है, सॉल्ट डिपॉजिट होने लगता है सॉइल की टॉप लेयर में, ठीक है. तो जो भी सॉइल ऐसे एरियाज में डेवलप होती है इनको कहते हैं डेजर्ट सॉइल. बेसिकली जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है. द सॉइल लैक नाइट्रोजन एंड ह्यूमस एज इट लैक वेजिटेशन कवर एंड दिस इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. इस सॉइल में नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, वेजिटेशन कम है, तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए ये सॉइल अच्छी नहीं होती खेती करने के लिए. द कलर ऑफ द सॉइल वैरीज फ्रॉम रेड टू लाइट ग्रीन. सॉइल का कलर क्या होता है, रेड से लेकर लाइट ग्रीन तक वैरी करता है. इन दिस टाइप ऑफ सॉइल कंकर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ये काफ़ी क्या होती है कि जो होती पेबल्स एंड कंकर्स इसमें पाए जाते हैं, राइट. ये स्मूथ सॉइल नहीं होती है. दिस सॉइल इज फाउंड इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, राइट. चलिए नाउ वील स्टडी अबाउट ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल. अब ब्लैक सॉइल एंड रेगुर सॉइल का इसके बारे में पढ़ लेते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इन डेकन प्लेट्यू एंड देयरफॉर रिच इन मिनरल्स. होता क्या है कि जब अर्थ में मूवमेंट्स होते हैं अंदर, तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो लावा निकलता है बाहर, बेसिकली कहाँ पर, डेकन प्लेट्यू के पास. तो जब ये लावा क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, गर्म लावा जब एकदम कोल्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तब ये रेगुर सॉइल बनती है, राइट. दे आर वेरी क्ले इन नेचर. काफ़ी चिकनी होती है ये,
दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इनके अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने की काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है, लंबे समय तक अपने अंदर मॉइस्चर रिटेन करके रखती है ये सॉइल. ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम्स स्टिकी एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्लो. रेनी सीजन में क्या होता है, ये सॉइल काफ़ी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी, और जिसकी वजह से इसको प्लो करना, क्योंकि ड्राई सॉइल को प्लो करना आसान होता है और चिपचिपी को आसान नहीं होता है. ड्यूरिंग समर सीजन मॉइस्चर गेट्स इवेपोरेटेड एंड दस क्रैक्स अपीयर ऑन द सॉइल. और समर में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इस सॉइल में मॉइस्चर सारा इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, एंड डीप क्रैक्स अपीयर, बहुत लंबे क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं, दरारें पड़ने लगती है सॉइल पे. ठीक है, इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं देख लेते हैं. दे कंटेन आयरन, एल्यूमिनियम, पोटैश, बट लैक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. राइट, दे आर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. कॉटन को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है, कौन सी, ब्लैक एंड रेगुलर सॉइल. दे आर फाउंड इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टेट्स में पाई जाती है. ठीक है, नाउ वील डिस्कस अबाउट द लैटराइट सॉइल. राइट, लैटराइट सॉइल कौन सी है. दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग. आपको बता दूं कि लीचिंग होता क्या है. पहले लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज बींग रिमूव ड्यू टू टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल. लीचिंग वो प्रोसेस होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो केमिकल होते हैं सॉइल के, जितने भी केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं केमिकल प्रोसेस की वजह से. राइट, तो ड्यू टू हाई रेनफॉल लाइम एंड सिल्का रिमूव फ्रॉम सॉइल एंड इट इज लेफ्ट विद आयन एंड आयन ऑक्साइड एंड पोटैश. अब होता क्या, बहुत बारिश होती है तो क्या होता है कि सॉइल का लाइम एंड सिल्का ये रिमूव हो जाता है सॉइल से, और सॉइल में बचता क्या है, आयन ऑक्साइड एंड पोटैश. द सॉइल लैक्स ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम. इस तरह की सॉइल में, लैटराइट सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है क्योंकि वो रिमूव हो चुका होता है, बचता क्या है, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम. ठीक है, द सॉइल बिकम्स हार्ड लाइक ब्रिक व्हेन ड्राइज अप एंड दिस इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल क्या होती है, ये काफ़ी ब्रिक की तरह, ईंटों की तरह सूखने के बाद बन जाती है, तो ऐसी मिट्टी पे, ऐसी सॉइल पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. कहाँ पाई जाती है ये, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आसाम. अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की. दे आर फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाई जाती है. राइट, कैसे, कहाँ पाई जाती हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में. मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कि अपना फॉर्म चेंज करती हैं. ठीक है, जैसे कि इग्निस रॉक से कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक में. उन रॉक्स, जब ये रॉक्स वेदर होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स पे वेदरिंग का असर होता है. वेदरिंग मतलब कि जब उस पर बारिश होती है, धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो जो मटीरियल रिमूव होता है उससे जो सॉइल बनती है वो रेड एंड येलो सॉइल होती है. दे आर रेड इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट इन देम. इनका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें. राइट, फेरस ऑक्साइड. दीज सॉइल्स आर रिच इन पोटैश, आयरन, बट लैक लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. इसमें पोटैश एंड आयरन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें लैक करती हैं ये सॉइल. विद द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर दे आर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट एंड राइस. लेकिन अगर हम अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें तो व्हीट एंड राइस को ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इस सॉइल को इस्तेमाल किया जा सकता है. दे आर फाउंड इन स्टेट्स लाइक पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड. ठीक है, कहाँ पाई जाती है, पार्ट्स लाइक महाराष्ट्र में पाई जाती है ये, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड में ये सॉइल पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टिल ऑल द कैटेगरीज ऑफ सॉइल. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट विद सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. टिल देन रिवाइज ऑल द कैटेगरीज ऑफ सॉइल विद देयर डिटेल्स. थैंक यू क्लास.